हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत टाइम बाद हम मिल रहे हैं। हम आज जो हमारा पहला व्लॉग है वो हम एक्चुअली हमने प्लान किया है गाड़ी लेने के लिए, या फोर व्हीलर कार। तो मैंने दो तीन कार सर्च की थी ऑप्शंस में, लाइक पहले देखी थी मैंने नेक्सॉन ईवी, नहीं ईवी मुझे अभी तक तो नहीं समझ आई। सेकेंड थी काइगर और तीसरा था हिंडई की वेन्यू। तो मुझे जो अभी तक समझ आ रही है वो समझ आ रही है काइगर। तो मैं आज जा रहा हूँ ज़रा हैंडलॉर्ड के शोरूम पता करने के लिए उसके फीचर्स एंड ऑल, कौन सा मॉडल अच्छा है, और बाकी आपको बताते हैं वहाँ जाके। वैसे मैं पहुँच गया हूँ जूहू के शोरूम हैंडलॉर्ड शोरूम में। यहाँ ज़रा टाइगर के बारे में पता करते हैं क्या क्या फीचर्स है और शोरूम क्या है, इसका प्राइस और ओवर प्राइस क्या है, बाकी सब। प्राइस हो सका तो आज मैं बुकिंग भी कर दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आ गई है। दिखने में इतनी सेक्सी लग रही है, तो टेस्ट ड्राइव के बाद तो मैं सोच रहा हूँ कि ये आज बुकिंग करके जाऊँगा इसे। तो गाइस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी सचिन निर्मल जी। हाय सर, मेरा नाम सचिन निर्मल है, मैं रेनो जूहू में सेल्स कंसल्टेंट के डेजिग्नेशन में काम कर रहा हूँ सर। अभी ये आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से मॉडल्स हैं, कौन सा मॉडल में क्या चीज़ है, कौन से फीचर्स हैं और कौन सा बेस्ट है, जो मुझे सजेस्ट करेंगे। तो हाय सचिन जी। हाय सर। तो अभी मुझे बताइए कि मैं इसमें कौन सा मॉडल आप मुझे सजेस्ट करेंगे, कौन सा फीचर, कौन कौन से मॉडल्स तो ऑलरेडी है। काइगर सर एक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आती है सर, ठीक है। काइगर में स्पेस बहुत अच्छा है एंड फीचर्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। तो मैं आपको पहले इंजन बताता हूँ क्या क्या ऑप्शन आएंगे सर। सर इसमें आएगा मैनुअल ट्रांसमिशन एनर्जी इंजन, ओके, जिसमें आपको 72 BHP का पावर मिल जाएगा, ठीक है। एंड दूसरा एनर्जी इंजन में सर AMT इंजन आता है, AMT ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, वो भी एनर्जी इंजन आ जाएगा सर। एक इंजन ऑप्शन और भी है सर, अगर आपको पावरफुल इंजन चाहिए तो टर्बो इंजन भी मिल जाता है इसमें आपको टाइगर के अंदर, ठीक है। जिसमें क्या होगा सर, मैनुअल में आपको 100 BHP का पावर मिल जाएगा एंड CVT इंजन आ जाएगा, जो ट्रांसमिशन में स्मूथ होगा एंड पावर भी 100 BHP का होगा सर। तो अलग अलग यूसेज इसमें होते हैं। सब मॉडलों के प्राइस में क्या फर्क है, इसका क्यों रहता है कि इतने सारे मॉडल उन्होंने दे रखे हैं मुझको, ये यहाँ से स्टार्ट करके इतने मॉडल्स हैं इसके अंदर, इसका फर्क क्या है? सर प्राइसिंग तो काइगर के स्टार्ट होते हैं 5,99,000 एक्स शोरूम से। प्राइस इस गाड़ी का जो स्टार्टिंग प्राइस है एक्स शोरूम, वो 5,99,000 मतलब 5,99,000 से स्टार्ट हो जाता है। अब वो उसमें क्या आपको एक्स्ट्रा चाहिए, कौन सा फीचर चाहिए, कौन से मॉडल में जाना है, उसके हिसाब से प्राइस आपका बढ़ता जाएगा। और लास्ट प्राइस का क्या है हमारा सर? इसका काइगर का टॉप एंड मॉडल 8,39,400 में आ जाएगा मैनुअल ट्रांसमिशन। मैनुअल में 8,39,000 के आसपास का ही मॉडल जो है एक्स शोरूम आपको मिल जाएगा, टॉप मॉडल मैनुअल में लेके। तो ये एक्स शोरूम कॉस्ट मैंने आपको बताया है, डिपेंड करता है आपको कौन सा वेरियंट आपके यूसेज के हिसाब से सूटेबल है। बाद में इंश्योरेंस कॉस्ट आता है, एक्सेसरीज अगर जो आपको लेनी है वो आप ऐड कर सकते हैं, एंड बाद में रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो एप्लीकेबल होता है। अभी तक इसमें कोई एक्सेसरीज आ रही है लगती है इसके अंदर? हाँ, तो नॉर्मली इसमें एक्सेसरीज जो एसेंशियल होती है वो सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि आपको मड फ्लैप, फ्लोर मैटिंग, कार कवर, बॉडी कवर, कुशन पिलो, ये सारी चीज़ें जो है आपको पहले दिन से यूज में आएंगी सर। तो वो इस प्राइस में इंक्लूड किया हम लोगों ने, जो 10,000 rupees का आता है। मीन्स एक्स शोरूम के बाद हमारा एक ऐड हो गया एक्सेसरीज वाला पार्ट, एक्सेसरीज उसके साथ साथ में क्या क्या ऐड कर रहे हैं? जो ऑन रोड प्राइस मान लो, अभी बेस मॉडल आपने बताया मुझे 5,99,000 000 का, यस, उसका ऑन रोड कितना पहुंच जाता है अप्रोक्सीमेट? विद RTO रजिस्ट्रेशन कॉस्ट के साथ में 7,16,000 के करीब पहुंच जाता है एक्सेसरीज के साथ में 10,000 rupees। मीन्स मुझे अभी इसमें क्या क्या ऐड हो जाएगा, मान लो
ये तो हमारा है एक्स शोरूम प्राइस, उसमें ये हमारा ऐड हुआ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के बाद हमारा ऐड हुआ जीरो टैप इंश्योरेंस, फिर हमारा फास्ट ट्रैक 500 रुपये का ऐड हुआ, उसके बाद हमारा क्या ऐड हुआ ये रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअल जो है जो हमारा आरटीओ वाला काम होता है, ये सब करते कराते हमारा जो एग्जैक्ट हमारा अमाउंट पहुँचता है वो पहुँचता है 7,16,000 अप्रोक्सीमेट। अब ये जो उसमें स्टार्स दे रखे हैं स्टार्स 4 स्टार ग्रीन मेजर जो 2 स्टार है इसका मतलब क्या है? जी सर, सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइगर को सेफ्टी रेटिंग में एनकैप जो टेस्टेड क्रैश टेस्ट होता है 4 स्टार रेटिंग मिल चुका है सर 5 में से, तो ये बहुत ही अच्छी रेटिंग है सर, अगर आप सेफ्टी पर्पज में कुछ सर्च कर रहे हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए टाइगर। जो सेकंड वाला ये वाला कौन सा है? सर चिल्ड्रंस के लिए होता है, अडल्ट एंड चिल्ड्रंस दोनों के लिए अलग अलग सेफ्टी रेटिंग निकाली जाती है, तो 2 स्टार आया है उनके लिए भी सर अच्छा ही रेटिंग है बहुत। ओके प्राइस इसमें इन्होंने बता तो दिया है कि कौन सा मतलब बेस मॉडल है और उस बेस मॉडल में क्या चीज़ें हैं वो जरा दोबारा पूछता हूँ मैं कि इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा और टॉप मॉडल में क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम टॉप मॉडल पे जाते हैं तो, और मुझे जो सजेस्ट करेंगे ये मतलब मेरे फीचर्स के मतलब मुझे जो ज़रूरत पड़ती है, मैं अभी देखो लॉन्ग ड्राइव पर जाने वाला हूँ, नॉन स्टॉप हम घूमने वाले हैं, तो मुझे जो चाहिए प्रॉपर एक फुल्ली जैसे बोलते हैं फुली फर्निश्ड एक रूम होता है, मुझे फुली फर्निश्ड एक गाड़ी चाहिए उसमें सब कुछ हो, बार बार मुझे चेंज ना करना पड़े, जो सोच में 2-3 साल बाद चेंज करना पड़ रहा है मुझे, ऐसा कुछ ना मिले मुझे, तो इनसे पूछते हैं ज़रा मुझे एक बार फीचर्स वापस बता दो बेस मॉडल में और टॉप मॉडल में फ़र्क क्या है। सर देखिए इसमें बेस मॉडल में जो फीचर्स हैं टॉप मॉडल में वो सारे फीचर्स के डिफरेंस होंगे, डायमेंशन इंजन तो सेम ही होगा, तो मैं क्या करता हूँ सर आपको पहले टॉप एंड मॉडल दिखा देता हूँ, हमारे पास टॉप एंड मॉडल आप शो करने के लिए है, तो उसमें क्या क्या फीचर्स आता है, क्या क्या आपका रिक्वायरमेंट है, हम लोग मैच करने की कोशिश करेंगे सर, कौन से वेरिएंट में आपका रिक्वायरमेंट मैच हो रहा है तो हम लोग वो आप हिसाब से आपको सजेस्ट कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको व्हीकल दिखाता हूँ एक बार सर,